तो क्वेश्चन ये था कि इसमें इंटरनल ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और क्योंकि मैंने उस वीडियो में बोला था कि इसमें बिना किसी रूट किए, बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के और बिना पेड एप्लीकेशन के इसमें क्या कर सकते हैं, हम इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं ना। तो किसी ने पूछा था कैसे, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको भी बताऊंगा। तो अब हुआ क्या था, एक्चुअली मेरा फ़ोन है OnePlus 5 है ना, तो ये जब एंड्रॉयड ओरियो पे था ना, तब इसमें ये फीचर इनेबल नहीं था, तब आप इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, है ना। लेकिन पर Android 9 की जब अपडेट आई, तो इस फ़ोन में नहीं और वो सभी में जब आई थी, मतलब OnePlus के सभी फ़ोन्स में जो 16 था उस समय, और 6 और 16 में आई थी, ठीक है। तो वो जो अपडेट आई थी Android 9 की, उसके साथ क्या एक दो फीचर्स आए थे, है ना, जैसे कि एक जेन मोड करके फीचर आया था। जेन मोड बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग देखना, एक अच्छा फीचर है OnePlus में जेन मोड करके, ठीक है। तो एक जेन मोड करके शायद वो पहले भी होगा, पर उसका अपडेटेड वर्जन आया था ना, मुझे कंफर्म नहीं पहले था कि नहीं, पर अपडेटेड वर्जन उसका Android 5 के साथ आया था ना, और साथ में ये फीचर आया था, नेटिव स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर आया था, ठीक है। तो अब ये नेटिव स्क्रीन रिकॉर्डर क्या होता है, नेटिव होता है और एक होता है थर्ड पार्टी, है ना। तो इन दोनों में वैसे तो कई लोग आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो थर्ड पार्टी वो होता है जो कि आप बाहर से उसमें इंस्टॉल करते हैं, और नेटिव वो होता है जो जैसा एज एन इनबिल्ट ऐप की तरह होता है ना, और इनबिल्ट ऐप तो आप जानती हैं क्या होता है ना, तो उस तरीके का होता है नेटिव। और थर्ड पार्टी जो ऐप होता है वो अलग से हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो वो आया Android 5 के साथ आया था, है ना, अब ये अपडेट में। पर वो OnePlus 6 और 6T में शायद आया था, पर OnePlus 5 में तो नहीं आया था ना। तो OnePlus 5 में वो नहीं आया था, लेकिन जेन मोड आया था, पर वो नहीं आया था ना। लेकिन क्या है, वो नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो OnePlus 5 में यूज़ नहीं हो सकता, है ना। तो मैंने क्या किया कि उसका जो APK है, वो OnePlus का ओरिजिनल APK जो कि 6T और 7 के लिए अपडेट में आया था, वो APK मैंने OnePlus अपने 5 में इस फोन में मैंने इंस्टॉल कर लिया, और बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है, सारे फीचर्स वही काम कर रहे हैं, और ओरिजिनल वो OnePlus का ही रिकॉर्डर है, वो किसी थर्ड पार्टी ऐप का मतलब बनाया हुआ नहीं है या कोई अलग नहीं है, वो OnePlus 5 का ही है। उसके लिए आपको कोई रूट नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, नॉर्मली बस डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है ना। और मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेना। अब उसमें होता क्या है, उसको इंस्टॉल करने के बाद वो ऐप ड्रॉयर में नहीं आता है ना, और OnePlus 5 में नहीं, वो OnePlus 6 7 उसमें भी ऐप ड्रॉयर में नहीं दिखेगा आपको। वो कहाँ आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप नोटिफिकेशन पैनल को एक्सपेंड करना है इस तरीके से, है ना। तो इस वो नोटिफिकेशन पैनल में आता है ना, जैसे आप यहाँ देखिए, ये दिख रहा है आपको अभी स्क्रीन रिकॉर्डर, है ना। तो ये पता नहीं फोकस हो रहा है, देखो ये जो है ना, ये स्क्रीन रिकॉर्डर, तो यहाँ पर आएगा नोटिफिकेशन पैनल में, आपको एक्सपेंड करना है। अब मैं बता देता हूँ इसमें कहाँ पर आपको मिलेगा वो फीचर जो मैं बता रहा हूँ, है ना। एक मिनट, ठीक है, उस पे जाके क्लिक करते हैं पहले। ठीक है, तो इस तरीके से विंडो आ जाती है इसकी, है ना, स्क्रीन रिकॉर्डर की इस तरीके में। और बहुत ही मिनिमलिस्टिक सिंपल डिजाइन वाला स्क्रीन रिकॉर्डर, कुछ फालतू के है। आप कोई भी जब प्ले स्टोर से करते हैं ना, वो दूसरे जो ऐप रिकॉर्डर होते हैं उनमें ढेर भर के तो ऐड होते हैं, और UI ऐसी होती है कि समझ ही नहीं पड़ता है कि कितना कचरा टाइप का लगता है, पर ये बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, बहुत ही सिंपल है ना। इसकी सेटिंग में जाते हैं, ये इसकी सेटिंग है ना, तो इसमें जाते हैं। इसमें आप देखिए, मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या फीचर है, और कहाँ अपना जो मेन जो फीचर है जिसकी बात हो रही है इंटरनल ऑडियो, वो देख लेते हैं। तो रेजोल्यूशन जो है वो ठीक है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, काफ़ी 2K 4K तक भी है शायद, और बिटरेट भी आप डिसाइड कर सकते हैं, वैसे ये ऑटोमेटिक भी डिसाइड कर देता है। इसके बाद आप इसमें देखेंगे तो FPS कितने आपको, तो 60 FPS तक की इसमें रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, तो आप चाहें तो 60 FPS की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं ऑडियो सोर्स, ये जो मेन चीज़ मैं बता रहा हूँ ऑडियो सोर्स, है ना, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए क्या ऑप्शन आते हैं, नो ऑडियो, इंटरनल ऑडियो, माइक्रोफोन, वॉइस और सराउंडिंग, ठीक है। तो इसमें आप जो है अगर इंटरनल ऑडियो का क्लिक कर देंगे, तो इससे क्या होता है कि आपका इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड होने लगता है, और आपका गेम प्ले जो है उसके सारे अंदर के साउंड्स रिकॉर्ड होने लगते हैं, ठीक है।
तो यही वो फीचर में जिसके बारे में बात कर रहा था कि कैसे आप इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है इसके लिए, मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उस पे जाके आपको वन प्लस का स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड कर लेना है, उसको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल के बाद नोटिफिकेशन पैनल में जाके उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करके यूज करना कि कितने बिट रेट पर कितना सेटिंग पर आपको यूज करना है, ओके ठीक है। तो बस इतनी सी बात है इसमें। अब अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं कि इंटरनल रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, इसके लिए मैं एक रिकॉर्डिंग और अटैच कर दूंगा जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी, वो हैंड कैम नहीं होगी, क्योंकि मेरे को उसमें शो करना है कि इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो वो आप देख लेना। तो अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी तभी आप देख रहे हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में लाता रहूंगा।